इसलिए नहीं मिला है कि हम किसी की चोरी करें, किसी का कत्ल करें, झूठ बोले, जुआ खेले, मांस खाए। इसलिए मिला है कि शरीर से उस मालिक के नाम का शुक्र जो मालिक है जिसने ये सारा संसार बनाया उसका स्मरण। और अगर तुम्हें स्मरण भी मिल गया है और स्मरण मिल गया, ध्यान मिल गया, भजन मिल गया, बताइए कोई भी संसार में तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें सवाल लोगों से बचाए नरे जाने से तुम्हें जानता नहीं कि अपने को किया है तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो जानता नहीं।
विद्या दान की हवन पुण्य सब नष्ट भ्रष्ट कर देते कहते हैं विश्वामित्र जी जो है दशरथ से कहते हैं कि महाराज जिस समय मैं यज्ञ करता हूं और ये बहुत समय से मैं देखता चला रहा हूं कि जब भी मैं यज्ञ करता हूं यज्ञ पूर्ण होने वाला होता है तभी देवता लोग राजा लोग क्या करते हैं हड्डी का टुकड़ा लेने में डाल देते हैं मांस का टुकड़ा डाल देते हैं। अब बताइए मांस का टुकड़ा हड्डी का टुकड़ा डालने से यज्ञ कैसा होता असफल हो जाता। ऐसे ही ये तुम्हारा जो सुंदर शरीर है क्या ये शराब पीने के लिए बनाया है? बताइए भाई जो संसार में और जीव है तुमसे तो ज्यादा समझदार जो है पशु पक्षी है। भैंसिया की सावनी लगाओ एक बोतल जो है शराब निकालते दरिया डाल के मिलाएंगे तो बताओ भैंसिया जो है चारों खाई अच्छा खाई लेगी अच्छा नहीं खाई क्यों नहीं खाएगी शराब की वजह से नहीं खाएगी क्योंकि शराब जो कोई आदमी पीता है तो पहले तरे भाई आग या दाल या चटपटी कोई चीज या प्याज धल्ले और गिलास में फोंके लाई आकर तो पहले सांसों को बंद कर ये भी जरूरी कोई बात बता दो भैया और जाने पी हुए भाई अंदाज हुए और हम ये नाका थे कि अगर पी तुमने हुए तो तुमने खराब काम कर कोई बात नहीं तुमने पी कोई बात नहीं लेकिन पी के छोड़ दे और छोड़ के फिर कमाल में पी और तो तो सांस को रोकना पड़ता है सांस अब जो लोग और गया पड़ा है एकदम इधर से गैस नहीं आ रही भाई खराब हो गया ना जरूरी और ये तो अच्छी लायक है और जाय कोई पशु पक्षी नहीं तैयार है ये बताइए ये तुम्हारा कर्म है तो इस कर्म का जो है कोई फल मिलेगा कि नहीं। मांस के टुकड़े जो है भैंसिया के सानी लगाओ बद्र के सानी लगाओ और बामे जो है थोड़े थोड़े मिलाए थे ऊपर तो भैंसिया चारों खाए नहीं खाए क्यों जो उसके लिए भोजन नहीं कहते हैं मांस खाने वाले लोगों के लिए परमात्मा ने मुख में दो दांत नीचे दो दांत ऊपर जो है बड़े बड़े नुकीले लंबे होते मांस को खींचने के लिए जैसे बिल्ली के अंदर कुत्ता के अंदर तेंदुआ के अंदर शेर के अंदर होते कई दांत बड़े दो ऊपर दो नीचे और तुम्हारे अंदर जो है कल आदमी में अब जरा जैसे कहूँ कब जाते के आदमी हो है कब जाते के मैं ना हो है वो कुछ मान में तो आदमी वो आदमी जाते के आदमी बढ़ाए गए ना आए ना अपनी सुविधा के ना तो और जो पक्षी होते हैं पक्षियों में जो मांस खाने वाले होते हैं उनकी चोंच आगे बड़ी होती है जैसे ची गीर कौआ देखा क्या तो ये पहचान है आदमी की अलग पहचान तो आदमी को ये नहीं खाना चाहिए और फिर दूसरी बात जो है मांस को पेड़ पे तो लगन है पेड़ पे लगता नहीं लगेगा किसी जीव का के शरीर का मांस तुम्हारे अंदर एक मांस
अगर उत्तम ऊर्जा तुम्हें शरीर में से कम से निकालने हो जाए तो तुम्हें बताओ दुख होगा कि सुख होगा? दुख। तो कहते हैं कि चार वेद छह शास्त्रों में बात बनी है दो, चार वेद छह शास्त्रों में बात बनी है दो, सुख देवे सुख हो तो है, दुख देवे दुख हो है? तो दुख देव जोगे दुख होगी दुख होगा। प्रेम करते हो कर्म जो है तीन प्रकार के बताए, कर्म जो है व्याकरण की दृष्टि से कर धातु का शब्द है, जिसमें किसी कार्य को करना या किया जाना देखा जाता है, उसे ही कर्म कर्म। तो ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सुकर्म कुकर्म और विकर्म। सुकर्म उसे कहते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, जैसे दान करना, पुण्य करना, किसी की मदद करना और किसी की सहायता करना, किसी को भूखे को भोजन कराना, ये चीजें कैसी हैं? सुकर्म। और भी है बहुत, जैसे यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थ जाना और भगवान की कथा सुनना, सत्संग सुनना, ये भी जो है शुभ कर्म नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। और कुकर्म में कम से आते हैं, कुकर्म उसे कहते हैं जो कर्म छुप कर ऐसे युक्त होकर आर में किए जाते थे वे कुकर्म होता था। और मतलब जनाए कुकर हुआ करके थे और अब ना ही लेकिन अब कहीं अंतर पड़े हो पाएगी। कैसे अंतर पड़े हो कि हम अपने गांव में पहले देखते थे कि लोग बकरा काटते थे, तो बकरा कहाँ काटते थे आप लोगों को मालूम होगा, जो मकान गिर गए हो पहले कच्चे मकान ज्यादा थे, कच्चे मकान गिर गए धन में ऊपर लटकी बहुत खाली जगह गली है ना, बस धरने ना बिल्डिंग में लटकाए दो फल घर गए हो वो घुस पाए गए वही जान मारे लोग गए जा रहे। अब पाप जो है सात जन्म पर भक्त एक एक जन्म में आए कुछ पाप हो रहा है। अपने देखो कि हमारे लिए राय जो है गलत लगाना है चेत देने से, तो पामे मतलब फिर आज तक खटी करो जो बकरा काट, तो हमने देखे जो बकरा लाए लाए उन्हें बांध दो और पहले गांव में आए, लेकिन मानसून हमारे वहां मानसून और राम जी का मानसून से लग गया, तो अभी मानसून खाते हैं मानसून मेरी गांव मैं भी बकरा ले आए जगह के पाटो आओ रहा पाठ पट हो दूसरे तरह का ना दलपत से मिटने गई हमारी पूरी नहीं, काउ की तरह पाने गई हमारी पचौनी नहीं, काउ की तरह पाने गई हमारी बरेंगो रहो, काउ की तरह किसी कछू ना कछू मिटने जो है पहले आठ दस पंद्रह लोगों के कह के आगे काम कराए, अब हम कठू ना करा काम कराए ले बताओ जवाब मतलब सही है कि नहीं है। तो उनने घाट बनाए तो फिर भी गए और जा रहे हैं एक काम समय, लेकिन अब तो जो है बाजार खोपा धरे हैं तब नेट को पर्दा लगाए थोड़ी बहुत कम लगाई ना लगाया वो धरे ऊपर धमुन धरे पका काट पकाट 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 तो हम ये बताइए वो पाप जो है जिसने बकरिया बकरा को पाला है और वो नहीं खाता उसके घर में कोई नहीं खाता उसके पाप, अरे तू भैंस पालता गाय पालता
और चीजें बकरा पकड़ने क्यों पाना और बकरा को रोजाना देख तो चखाए अब तो यो एक आदमी चीज का क्यों कि चार्ज करो को हो गया तो उसने अंदाज लगा लिया कि 30 रुपया किलो के हिसाब से इतने मिली क्या पे खाया मैंने और बढ़िया तो फिर इनके मन मनमुना हरियाई हिरण पुरी और गेम को खूब चबाए बढ़िया करे के कारण फिर तंदुरुस्ती पर कर गई फिर मौत और बढ़ी हो तब मैं तो भले तुमने ना खाओ भले तुम खाए हो ना क्या लेकिन फिर भी हिस्सा तुम्हारा मान तो प्रेमी भक्तों कुकर उसे कहते हैं जो आड़ में किया जाता है छुपकर किया जाता है भयभीत होकर के किया जाता है भय से युक्त होकर किया जाता है उसका फल जो है नरक नरक और सुकर्म का फल स्वर्ग होता और एक होता है विकर्म विकर्म माने होता है विशेष कर्म विशेष कर्म कैसा है विशेष कर्म का मतलब क्या है न उसमें कर्म है न इंद्रियों का कार्य और कर्म इंद्रियों के कार्य से होता होता है क्या हाथों से पैरों से आंखों से कानों से कर्म होता है जितने भी कर्म होते हैं लेकिन ये कर्म के लिए इसमें जो है इंद्रियां कहां काम करती है कौन से कर्म होती में आंख रखती है आगे बंद कर ली कानों से बाहर का सुनना बंद कर लिया जिब्बा से जो भी बातचीत करते हैं उसे कहना बंद कर लिया पलट लिया जिब्बा को मुंह बंद कर लिया अंदर में प्रभु के नाम में अपने सुरती को लगा दिया जोड़ दिया तो ये क्या है ये कर्म है लेकिन क्रिया नहीं है हाँ ये क्रिया है कर्म नहीं है इंद्रियों के द्वारा नहीं है इंद्रियों के अधीन है तो ये विकर्म है इसका फल क्या है इसका फल है मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना जिसे भजन कहते ये तीन प्रकार के कर्म तो कौन सा कर्म अच्छा है सुकर्म अच्छा है विकर्म भी अच्छा है लेकिन कुकर्म अच्छा है अच्छा ये तीन प्रकार के कर्म मैंने बताए अब इनके संस्कार होते हैं इनका फल तीन प्रकार के संस्कार होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रियमाण प्रारब्ध और संचित क्रियमाण कहते हैं अब करो एक आगे करो दूसरे आगे करो फल ले कैसे है कि भरे बाजार में चाहे कहो के सगीर आदमी के बढ़िया आदमी के चाहे व्यक्त कैसे के टमाटर तो तुरंत ही लोग जवाब दिए क्या तुरंत जवाब या फिर ये कहिए कोई मजदूर है खुरपी लेकर के किसी के खेत में निकाई करने जाता है तो निकाई करता है और निगाही करने के बाद जो है जो दिल खत्म हो फूट गया गाड़ी मारने और बड़ी भुटिया और गाड़ी बड़ी भैया आटा नहीं पर इतने पैसा कर देंगे तो ये क्या है क्रियमान इन करो और प्राप्त और संचित कर्म क्या है संचित कर्म वो है संचित माने इकट्ठा यानी बहुत से कर्मों के संस्कार इकट्ठे हो गए जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो हर महीने वेतन देता है रोज नहीं मिलता महीने में वेतन देता है और कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि उस वेतन में से भी काट पाए जाते हैं जो फंड और बोनस वगैरह के रूप में बात होने
हेलो हेलो जैसे संचित का मतलब ये होता है जो इफेक्टिव कई जन्मों के जन्म जन्मांतर जन्मों के कर्म के फल उनमें से कोई फल मिलता है। जैसे किसी ने पिछले जन्म में कोई गलत काम किए होंगे और अगला उसका जन्म हुआ मां के गर्भ से उसने जन्म लिया और जन्म के ही मां के गर्भ में से ही उसकी पीठ में इतना बड़ा फोड़ा अब बताओ तो खड़ा भी नहीं हो पाता, हाथों से कोई चीख भी नहीं पकड़ पाता, आज बताइए उसके द्वारा क्या कर्म हुआ? पिछला ही तो कर्म है, पिछले कर्मों में से पिछले कर्मों के जो इकट्ठे संस्कार हैं संचित है उन्हीं में से चेक मिला है। चेक जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो बीच में ऐसा भी होता है जैसे लड़की की शादी है, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह तो है, हर महीने मिलती है, खर्च हो जाती है और नौकरी पक आई थोड़े दिन रह गए तो बंदा फाल तो उनने जो है लड़की के कार्ड छपाए गए और जाके पीए से ऑफिस में एप्लीकेशन लगाओ कि लड़की के ब्याह के लिए 7,000 रुपए के वो कार्ड कराए गए। कार्ड में जो है लड़का तो लड़की को नाम और कहाँ पे ब्याह वगैरह सब पता एड्रेस तो वहां से वहां पे चेक किया, उसको क्या कहते हैं प्रारंभ, क्या कहते हैं प्रारंभ। ये मतलब जो है कर्म का दूसरा संस्कार होता है उसे प्रारंभ कहते हैं। प्रारंभ का एक बिगड़ा हुआ शब्द है उसे कहते हैं परालंभ है। अगर एक घोड़ा में समुद्र का घोड़ा पुटा भी पहले चलती क्या कहते थे कि हवन आवत थी के हवन आवत थी मेरी परालंभ है क्या होगा फिर जो कर्म के संस्कार
संस्थान को काफी दिनों बाद मिलने में वाले हैं। दोस्ती बढ़िया जल्दी जल्दी मिलने लगी और कम हो गए मिलने लगे, जैसे आला भरने वाले कार्डों में तब वो आदमी ज्यादा परेशान होगा, जिन्हें बहुत परेशानी है, लेकिन जनामानों के लिए निकल रहे। लेकिन ऐसा कब होगा जब सत्य की ओर जाओगे तब, और सत्य की ओर नहीं जाओगे तो नहीं होगा। तब तो मैं तुम्हें तो कहना हूँ 84 लाख योनियों की जो खेल है उसमें जाना है। इसलिए जो है ऐसा कर्म करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, वो सभी तुलसी आदमी रहते हैं। ये शरीर में इसलिए मिला है कि साधन धाम सारन धाम मोच कर शरीर जो तुम्हें मिला है वो साधनों का धाम है। धाम कहते घर को, जो साधनों का घर है। कौन से साधनों का? कोई साधन कि जाते चोरी करो, कि डकैती डालो, कि लोगों को मार डालो, कि दान करो जिन्हें हाथों से या जिन्हें आगे से अच्छी तरह से देखोगे कि हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, या क्या ही आगे से जदे हो कि सब अपने भोजन रखते हैं आगे तो गई। ये केवल अपनी सोच की दृष्टि की बात है, और जैसी सोच होती है वैसा ही कर्म होता है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा इस शरीर में, ये शरीर जो है साधनों का घर है, इससे जो है सुकर्म भी कर सकते हैं, सुकर्म भी कर सकते हैं, सब तरह के कर्म कर सकते हैं, और इससे शरीर से मोक्ष प्राप्त। इस शरीर के अंदर कहते हैं मोक्ष कर द्वारा, द्वारा माने दरवाजा, इस शरीर के अंदर मोक्ष का दरवाजा है। तो दरवाजे से कहा हुए मोक्ष मिले, दरवाजे में से भीतर से निकलो, चले जाओ ऊपर है भगवान के धाम में, चले जाइए कुछ देर के लिए, फिर लौट करके आ जाइए, फिर लोगों को बताइए जैसे ऐसे हमने भगवान का धाम देखा है, और फिर जाइए, फिर आइए, अपना संबंध बना लीजिए, बार बार आइए जाइए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नरक पाओ
तन पाए पिछड़े मन दे सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके अपना मन किसमें लगाते हैं? विषयों में लगाते हैं, जुआ में लगाते हैं, चोरी में लगाते हैं, गलत कामों में लगाते हैं। तो ये क्या है? पलट सुधा ते सट विसरी। बेलो अमृत को छोड़ करके पलट करके इसमें मोह मारते हैं। तो जब इसमें मोह मारेंगे तो क्या होगा? उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि पुण्य पुण्य बिनु मिले न संसार, दुनिया के रूप में है नहीं करते तो संत नहीं मिलते, और संत मिलते हो तो संत का सानिध्य नहीं मिलता, और संत का सानिध्य मिलता तो संत का ज्ञान नहीं मिलता। तो बिल्कुल करीब में संत और सदगुरु के बिल्कुल में करीब में आने का मतलब क्या है? तुम्हारी दूर जन्म के कुछ बड़े बड़े पुण्य इकट्ठे हो गए हैं जिससे संत मिले हैं। सत्संग से संस्कृति का रतनता, और जो सत्संग है वो क्या है? सत्संग जो है सत्य की ओर जाने का और असत्य से हटने का अंतर, तभी जो है संस्कृति। और क्या कहते हैं कि अब हमारा भला जब जलाने के बाद
क्या उन्होंने कहा? श्रीकृष्ण ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो रहा है। क्या भरोसा? आप होए छाया भरो भगवान और मंत्र मत